नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि निकल के आ चुके हैं HDFC बैंक की तरफ से। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा। सो कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट meetacademy.in गूगल में टाइप करेंगे, फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी। वहीं से सारे के सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाते हैं और चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले जो ये वैकेंसीज हैं इनके लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है 18,000 से लेके 28,000 मंथली यहाँ पे रहने वाली है। 22 वैकेंसीज यहाँ पे जो है ओपन की गई हैं, आउट की गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसके लिए आप 28/9/2024 तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इस HDFC बैंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे स्काई ब्लू एरो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर लिखा हुआ फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो फंक्शनल एरिया रहेगा, मतलब अपने काम करने का एरिया जो रहेगा, फाइनेंस इंश्योरेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज का रहेगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस जो अप्लाई कर सकते हैं 18 से लेके 35 साल तक के, ठीक है जी। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बैंकिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, कैसा ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की हैं, ब्रांच ऑफिसर की हैं, KYC वेरीफिकेशन की हैं, लोन डिपार्टमेंट की हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर की हैं, और यहाँ पे आपकी गुड कम्युनिकेशन एंड नॉलेज बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको होनी ज़रूरी है। सैलरी स्केल की बात करूँ तो 18,000 आपसे लेकर 28,000 पर मंथ है आपके, ठीक है जी। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। 12th पास मिनिमम रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस जीरो भी है तो भी चलेगा, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे इनकी लिए वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। मंथली आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे और उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं बॉर्न किसके अंदर है, तो यहाँ पे पर्सन का नेम भी लिखा हुआ है। ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये वैकेंसी थर्ड पार्टी की तरफ से, लेकिन जो आपका एरिया रहेगा HDFC ही है, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन भी वहीं पे रहेगी ऑल ओवर इंडिया में। और इसी के साथ अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, ये नोटिफिकेशन में उन्होंने HR रोहित का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। ये NCS पोर्टल जो कि हमारा नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल है, वहां पे ये वैकेंसीज जो है इन्होंने लिस्टेड करी है, तो आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो है वो लेकर आता ही रहता हूं। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।